को परेशान करूंगी। तू मुझे परेशान करता है ना, मैं तुझे परेशान करूंगी गंदू। लाइट चली गई है सुबह सुबह, है ना, पता नहीं क्यों चली गई है, आती है तो फिर आपको मिलते हैं। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल जुमजुमर। तो कैसे हैं आप लोग सब, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआओं से मैं भी अच्छी हूँ। इसने मुझे बहुत परेशान करा, इसने मुझे सोने नहीं दिया है और इसको दोबारा फीवर आ गया था और इसने परेशान किया है और आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। ये गंदू है, ये गंदू चबका बंदू। तो बस अभी ना मैं उठ गई हूँ और एक्चुअली हम लोगों का सारा प्लान ना कुछ अजीब से तरीके से हुआ है। था कुछ और, हुआ कुछ और, होना कुछ और है। आंखें बंद करे जाएंगे क्यों? ओहो, इनकी आंखें बंद करी जाएंगी। तो कहने का मतलब ये है कि सुबह सुबह आप लोगों को पता है सबसे पहले मेरी रिक्वायरमेंट होती है ब्रश की, और मैं टूथब्रश नहीं लाई तो फिर वो मेरे लिए लेने गए हैं, टूथब्रश और पेस्ट लेने गए हैं। वो लेकर आएंगे तो मैं पेस्ट करूँगी, उसके बाद फ्रेश इनफ होंगे। और सबसे मतलब अजीब चीज़ कि हम कपड़े ही नहीं लाए, हम मतलब लाए हैं और एक एक जोड़ी कपड़े लाए, नहीं नहीं वो बैग में है ना, बैग में है बाहर, बाहर वाले में। तो अब देखो हम कैसे कैसे क्या करते हैं। और मेरा सामान आ गया आपके लिए, क्यों मम्मा करेगी। अब मैं जल्दी से पेस्ट करूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। सुनो, आप ज़्यादा चोर नहीं मचा सकते, वरना मैं आपकी पिट्टी लगा सकती हूँ, आपको पता है मम्मू पिट्टी लगा देगी। कैसे हमारे साथ तो बड़ा धोखा हुआ भाई, हमें तो बस ये बताया गया कि हल्की कली वापस आना है। बस एक ही की लाई हूँ, यही तो बोला था आज ही वापस जाना। बच्चों के भी नहीं लाए? बस एक ही तो लाई ना, जैसे जो आप पहन लिए पहन लिए। नहीं मतलब एक और एक्स्ट्रा नहीं, नहीं। तो ये है हमारी भाभी तो बस भाभी रेडी हो गए हैं, बच्चे रेडी हो गए हैं ये हैं भैया कम। तो फिर ये गाड़ी है। चलो ले पूछा, चलो अरे अपनी सैंडल रखो ना गाड़ी में, अंकल ने खोल रखी है इसे लेके घूम रहे हो। इसके ना पैर बहुत जल्दी वो हो जाएंगे, थक जाएंगे। मम्मा मुझे नहीं पहननी इसलिए मैं उसकी। चलो लिबू चलो चलो आओ बेटा आओ, चलो मम्मा का हाथ पकड़ो। चलो आयरा
बिच्छू है ना इसमें, नहीं खाओ बिच्छू, लग जाए बिच्छू लग जाए, आप जरूर खाओ। वो कह रही मुझे तो मेरी चीची लाओ दो लाओ वो छीन रही है, लिखो लिखो दे दो उसे, उसे पास करो, वो कह रही लाओ मुझे दे रही हो ले। वो सोनू अपनी चीची किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहती है ना, है ना सोनू, मैं खिलाती हूँ है ना, मम्मा खिलाएगी, मम्मा खिलाएगी, मम्मा खाएंगी बेटा। मैंने सुन लिया ले लो जा, क्यों नहीं लेंगे बेटा, कैसे कर रहे हो, वैसे ये कोई अनोखी बात है। अभी देखो क्या चुनू को देखो आप कैसे खा रही हैं। ओ चुनू खा ला, ओ चुनू एक खा लो फिर और ले लेना, और ले लेना एक फिनिश कर पहले, चुनू ना फिनिश कर रही हैं। तो बस जी ये है सुबह का टाइम और हम आ गए थे, मतलब होटल के पास में ही ढाबा था तो वहाँ पर नाश्ता करने के लिए। तो मुझे तो ना सिंपल खाना था, ब्रेड वगैरह खाना था, लेकिन वो यहाँ पर नहीं था मेन्यू में। तो आयरा को पूरी और सब्ज़ी खाना था, फिर इन्होंने मेरे लिए आलू का पराठा ऑर्डर कर दिया क्योंकि मुझे भी पसंद है, आप लोग को पता है। तो बस हालांकि मैं खाना चाह नहीं रही थी क्योंकि अभी हमें और भी लंबा सफ़र करना था, बट कोई बात नहीं, अब जो अवेलेबल था वो हमने खा लिया है। और यहाँ पर ये दोनों दोस्त खा रहे हैं और इधर मैं और भाभी खा रहे थे। और यहाँ पर पता क्या हुआ था, मुझे एक तो हिजा ने नाश्ता नहीं करने दिया और उसके बाद में चाय पी थी उसने सारी चाय, देखो मेरा आगा कुर्ता है ना इसके ऊपर दुपट्टे पे और कुर्ते पे सब पे चाय गिरा दी, और मैंने ये सारा दुपट्टा पता धोया है और ये दुपट्टा गीला ही था जो मैंने टांगा हुआ था। अच्छा हिजू वहाँ है, मैं कह रही हिजू कहाँ है, आपकी वीडियो बन रही है, ओहो हो ओहो हो हो ओहो लिबू वीडियो बनवा रही है इस पे चढ़ चढ़ के। बस लिबू बस 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 हटो, चलो 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 उतरो खींचो। फाइनली फ्रंट सीट पे बैठ गए हम, तो आज मेरी सिचुएशन पे ये गाना बिल्कुल सूट करता है। आज मैं कितनी खुश हूँ दुनिया की खुशियों को पाके, जी करता है नाचू बिन पायल घुंघरू झनका के, कुछ ऐसे करके है ना, आप समझ रहे हैं ना। कहने का मतलब ये है कि जिन छोटी छोटी खुशियों के लिए मैं अब तक तरसी हूँ, मतलब 9 साल ऑलमोस्ट हो चुके हैं मेरी शादी को, और यही था मेरा सपना कि मैं इनके साथ फ्रंट सीट पे बैठूं। लेकिन मैंने आप लोगों को बताया भी था कि पहले कुछ ऐसा हुआ था तो कि मैंने कसम खाई थी कि मैं कभी नहीं बैठूंगी जब तक ये खुद आगे से नहीं कहेंगे, तो इन्होंने खुद ने मुझे आगे बिठाया था तो मुझे उस चीज़ की ज़्यादा खुशी है।
बात बता रहा हूँ। होता है यार, अपने आगे कोई चीज़ कहीं दिख जाती है तो हमारे यहाँ याद आ जाती है ये क्या है, ये बचपन की याद है हमारी। बाल सही करो। हाँ लैंडी ग्रास भी हमारी है बिल्कुल। तो बस जी, यहाँ पर हमने मतलब वो जो बंटा होती है ना वो वाली ड्रिंक ली थी, और उसके बाद यहाँ पर एक तो मैंने सोनू को फ्रेश किया था, और उसके बाद मैं सोनू के लिए गई थी दवाइयाँ, क्योंकि सोनू की तबीयत ठीक नहीं थी उस दिन। आप लोगों को पता भी होगा उस दिन सोनू को ना वॉमिटिंग और फीवर बहुत ज़्यादा हो रहा था जिस दिन हम निकले थे। तो मैं इसकी सारी दवाइयाँ अपने साथ लेकर आई थी, तो मैंने कहा मैं इसे पिलाऊंगी, और सोनू को बार बार फीवर भी चढ़ रहा था, तो बस यहाँ मुझे इस चीज़ की थोड़ी दिक्कत ज़्यादा हो रही थी। और दूसरा यू नो, अब घूमने वगैरह में थोड़ा बच्चे परेशान होते ही हैं, तो बस माँ का यही होता है कि भैया कहीं भी वेकेशन पे चली जाए, कहीं भी चली जाए, लेकिन बच्चों की जिम्मेदारियाँ, बच्चों का ध्यान रखना ये तो हमेशा ही रहता है। बट वो सारे काम भी चलते रहेंगे और हम अपनी सिर्फ खुशियों पे ध्यान देंगे। और मैं आपको बता दूं कि आज हम बहुत सारी जगह पर घूमे फिरे, वो सब मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी, क्योंकि मैंने हर छोटी से छोटी चीज़ आप लोगों के लिए शूट की है। और मुझे पता था, मुझे सच में पता था कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। आप लोगों में से मतलब सब लोगों ने, मैं कह रही हूँ, एक कमेंट नेगेटिव नहीं आया है मेरे कल के व्लॉग में, और आप सबने इतना प्यार दिया है। मैं इसमें एक ना पर्सनली आप लोगों के कमेंट से रिलेटेड एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगी जब ये सारा मतलब सीरीज़ ख़त्म हो जाएगी। तो आज के व्लॉग में तो इतना ही, फिर मिलूंगी। अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखना।